हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल राजेश शर्मा ब्लॉग में। और जैसा कि आपको पता है, मैं डेली आजकल ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। अब कुछ ही दिन बचे हैं डेली ब्लॉगिंग का, उसके बाद मैं हफ्ते में एक वीडियो डालूंगा। तो आज का दिन भी कुछ खास बनाते हैं। और मैं उठ गया हूँ और अखबार अखबार भी आ गया था, सीधे पंडा उतरा अखबार। और वहाँ से जो हमारे दोस्त लोग हैं वो लोगों ने बांटा, आज मैं नहीं जा पाया। और आज मैं खा रहा हूँ प्याज की सब्जी, और अभी लाई रखी है मम्मी, और उसके साथ रोटियाँ 4 या 5 रोटी खाऊंगा। हल्का सा घी लगाया, मम्मी घी लगा ची मैं। दोस्तों पहले घी नहीं खाता था, क्योंकि मैं सोचता था घी खा के मेरे शरीर में फैट चढ़ जाएगा और मेरा मेरा पेट मोटा हो जाएगा। लेकिन मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियो देखी, यूट्यूब से दोस्तों बहुत ज्ञान भी मिलता है। तो यूट्यूब से वीडियो देखी, तो उसमें देखा कि मैंने जो घी होता है उसमें गुड फैट होता है। गुड फैट हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। गुड फैट से हमारे हार्ट की जो मतलब जो बैड फैट होता है उसको कम करता है। गुड फैट कोलेस्ट्रॉल कम करता है। तो घी खाइए आप, कम खाइए लेकिन। और देखिए आली आँख लाल भी हो रखी है, सुबह सुबह एलर्जी हो जाती है नाक की और आँख की। देखिए दोस्तों लाल आँख। तो अभी पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद नहाऊंगा धोऊंगा कॉलगेट, उसके बाद कहूँगा उल्टा। कभी कभी लाइफ में उल्टी उल्टा भी करना चाहिए। अगर आप रोज ही दांत धो के नहा के खाना खाएंगे तो ऐसे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। कभी कभी खाना खाने के बाद नहाइए, वैसे साइंस के हिसाब से तो गलत है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में कह रहे देखा है कि अगर आप खाना खाने के बाद नहाते हैं तो आपका कुछ मेटाबॉलिज्म, कुछ मतलब आपका खाना पचना स्लो हो जाता है। लेकिन मैं इसको अपने शरीर में अजमा रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि क्या है। आप ऐसा मत कीजिए, लेकिन खाना पहले खा सकते हैं, दिन में नहा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपको। अभी दिखाता हूँ दोस्तों प्याज की सब्जी दही डाल के, बहुत गुड। और दोस्तों एक चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ, पहले जब मैं थोड़ा छोटा था मैं बहुत नखरे करता था खाने के लिए। मैं कहता था ऐसा बना है, ये बना है, गुलाब जामुन लाओ, ये लाओ, बाजार का खाना लाओ। फिर दोस्तों धीरे धीरे जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे को लगा कि अब रुपये कमाना कितना मुश्किल है, तो दोस्तों मैं आजकल रूखी सूखी कैसी भी खाना खा लेता हूँ और कुछ नहीं बोलता हूँ, बस उसमें ही टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट हमारे दिमाग में होता है दोस्तों, अगर हम दिमाग से कहेंगे अच्छा है अच्छा है तो अच्छा होने लग जाता है वो। आपको पिज्ज़ा वीजा गंदा लगेगा और घर का खाना तेल मतलब वैसा खाना जो गंदा भी होगा वो अच्छा लगेगा, अगर आप दिमाग से खाएंगे, अगर आप कहोगे कि खाना अच्छा है। ठीक है दोस्तों अभी दिखाता हूँ। तो दोस्तों क्या मम्मी बता दो कैमरे में। तो दोस्तों और दिन दही खाता हूँ, आज मम्मी ने दही के साथ केला भी लगाया है। दही में केला डाल के खाएंगे तो आपको और शरीर में थोड़ा क्या मिलता है ये तो मेरे को जानकारी नहीं है। जैसे तो दोस्तों बताना चाहता हूँ और आप लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैंने जैसे परसों कहा था आपसे कि मैं आप लोगों ने हर तीसरे दिन नहाना है, लेकिन दोस्तों मैं माफी चाहता हूँ, मैंने जो आपसे कहा उसके उल्टा किया। मैंने कल भी नहाया, आज भी नहाया, मैं 3 दिन लगातार नहा रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी अभी अभी उतनी ठंडी तो नहीं हो रही, तो आप लोग देखिएगा अभी ठंडा नहीं हो रहा तो अभी रोज नहाइए। फिर उसके बाद जैसे जनवरी का दिसंबर का महीना आएगा उस टाइम आप 3 दिन छोड़ के नहाइए, हफ्ते में एक दिन नहाइए, अभी रोज नहाइए। तो कुछ रिकॉर्ड तोड़ने के लिए होते हैं, तो क्या पता ठंडियों में मैं अभी भी रोज नहाऊं। तो दोस्तों आप भी हमेशा अपने रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रहिए। जैसे आप पिछले ठंडे में अगर 3 दिन में नहाते थे और अगर या हफ्ते में एक दिन नहाते थे, तो अपना रिकॉर्ड तोड़िए, रोज नहाने की कोशिश कीजिए। नहीं हो पाता तो हफ्ते में या 3 दिन में नहाइए। तो दोस्तों आज मेरे बाल थोड़े बिखरे बिखरे हैं, आज मैं बालों में कुछ ऐसी चीज़ जेल वेल नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि बाल झड़ जाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा पिथौरागढ़ की बाजार, उत्तराखंड का जो जिला पिथौरागढ़ है उसकी मार्केट दिखाएंगे थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद अभी मार्केट से आपको मिलता हूँ, और तो आपको आज पिथौरागढ़ की थोड़ी थोड़ी मार्केट दिखाऊंगा कि कहाँ पे को क्या है, कहाँ पे को क्या है, थोड़ा थोड़ा करके। तो ठीक है दोस्तों अभी मिलता हूँ आपको। तो हेलमेट हेलमेट पहन के तैयार हो गया हूँ, और मैं आजकल एक जॉब भी कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़े दिन में बता रहा हूँ कि मैं क्या जॉब कर रहा हूँ, अभी मैं इसका खुलासा नहीं कर सकता हूँ कि मैं क्या जॉब कर रहा हूँ। तो मैं एक जॉब भी कर रहा हूँ, सुबह अखबार भी बांटता हूँ और चश्मा पहन के सीधे बाइक में अब मैं सीधे जाता हूँ अपनी जॉब पे, और वहाँ से आपको पिथौरागढ़ का नज़ारा दिखाऊंगा और जॉब के बारे में मैं आपको एक दिन पक्का बताऊंगा अगले हफ्ते। तब तक मैं आपको अपनी जॉब के बारे में नहीं बताऊंगा। और ये रही मेरी बाइक, तो मैं आपको मिलता हूँ बाज़ार से, वहीं से आपको वीडियो दिखाऊंगा और थोड़ा बाज़ार की अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। पिथौरागढ़ बाज़ार उत्तराखंड की, उत्तराखंड जिले की उत्तराखंड की पिथौरागढ़ जिले की जो मार्केट है दिखाऊंगा कि कितनी अच्छी है, क्या है, पहाड़ी एरियाओं की मार्केट कैसी रहती है, थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगा। तो दोस्तों अभी मिलते हैं आपको मार्केट से।
तो आइए दोस्तों, आज हम आपको पिथौरागढ़ के दर्शन कराते हैं। जब आप पिथौरागढ़ इंटर करेंगे तो ये ऐंचोली तिराहा विजडम तिराहा है, यहाँ से आप पिथौरागढ़ को प्रस्थान करेंगे। और हम अब आपको आगे का दिखाते हैं। ये है आपका गुप्ता तिराहा, टकाना में पड़ता है ये कमल बारात घर, यहाँ पे को मौजूद है। और ये जब आप विकास भवन में आएंगे तो विकास भवन रोड कहलाती है, ये भी टकाना में स्थित है। और इसके बाद जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये पिथौरागढ़ की शान जो आजकली बना है घंटाघर, इस ये घंटाघर है पिथौरागढ़ का आजकली बना है, जो चार चांद लगा था पिथौरागढ़ में। तो साथियों, थक हार के घर पहुंच गया हूं, अभी शाम के रात के 9 बजे हैं और यहां बहुत गांड फट गई है दिमाग में, दिमाग पूरा हैंग हो गया दोस्तों। जैसा कि आपको पता है मैं आजकल जॉब भी कर रहा हूं, सुबह अखबार का काम भी है, तो बड़ी टेंशन होती है। और देखिए दोस्तों, हमने बाल कटाए हैं, बताइए कमेंट बॉक्स में कि बाल कटा के अच्छा लग रहा हूँ। ये बड़े बालों में अच्छा लग रहा था, वैसे मुझे तो बाल कटा के तो अच्छा लग रहा हूँ, देखो बाल कटिंग करके। तो दोस्तों कहना चाह रहा हूँ कि लाइफ में अगर आप कुछ पैसा ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत गांड फटती है आजकल। जैसे कि मैं आजकल सुबह अखबार का काम लिया है, तो अखबार के काम में भी थोड़ा टेंशन है, मतलब वो तो हो जा रहा है। दो जो मेरे भाई लोग हैं अभिषेक और भोले भाई, वो थोड़ा बहुत निपटा देते हैं, थोड़ा बहुत मैं भी देख लेता हूँ। और फिर उसके बाद आजकल मैं थोड़ा दिन में जॉब कर रहा था, तो बताता हूँ आपको बहुत गांड फट रही है शाम के टाइम। अभी ऐसा दिमाग हैंग हो रखा है कि मतलब क्या बताऊँ आपको, पूरा मतलब अंदर ही अंदर से यहाँ मतलब आँखें कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, अगर आप कुछ भी करें, अगर आप एक ही चीज़ करेंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन आप मल्टी मल्टी मिलियन मतलब आप मल्टी मतलब बहुत सारी अलग अलग चीज़ें करेंगे तो आपका दिमाग हैंग करने लगेगा। मतलब आप सोचना समझना, मतलब मेरा किसी टाइम दिमाग ऐसा हो जाता है, मैं सोचना कई चीज़ें, मतलब जैसे सुबह अखबार मारना है, उसके बाद मैंने एक जॉब में गया हूँ वहाँ करना है, फिर ब्लॉगिंग भी बनानी है, और एक दो में टेंडर एंडर भी डालता हूँ कहीं पर, तो वो चीज़ भी टेंडर का भी दिमाग में रहता है यार। ये चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें अगर हम एक साथ करते हैं तो दिमाग भन्नी तय है और गांड फट जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। और नींद घर जाती नींद आ जा रही है, लेकिन एक चीज़ है कि टेंशन वेंशन डिप्रेशन से बहुत दूर रह रहा हूँ। तो दोस्तों ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको, अभी रात हो रखी है, तो कल सुबह मिलते हैं या इंड ब्लॉग करेंगे तो आपको बता देंगे। तो दोस्तों आज मैंने बाल कटाए, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया आप लोगों के लिए, क्योंकि अकेला था वहाँ पे, को मेरे को याद भी नहीं कि वीडियो बनानी है करके। और बताइएगा कि लंबे बालों में अच्छा लग रहा हूँ या छोटे बालों में अच्छा लग रहा हूँ। ऐसे मेरे ख्याल से मेरे को छोटे बालों में अच्छा लग रहा हूँ, क्योंकि छोटे बालों में हेलमेट पहनता हूँ तो लंबे बाल पूरे बिखर जाते हैं, लेकिन छोटे बाल एक हाथ मारने में ही सब ठीक आ जाते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लंबे ठीक हैं या छोटे।